एक व्यूवर का कमेंट भाई मुझे काफ़ी टाइम आता है और उसके कमेंट को देखते हुए मैंने सोचा कि चलिए इस कमेंट से जुड़ी एक वीडियो बना ही ली जाए। देखे स्पोर्ट्स लवर हैं वो, और वो जो है वीडियो में देखना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स 18 वर्सेस स्टार स्पोर्ट्स की। वैसे तो उन्होंने डिमांड की है लेकिन मैंने इसमें ऐड कर लिया है सोनी स्पोर्ट्स को भी, क्योंकि आप लोगों को पता है इंडिया के अंदर जो स्पोर्ट्स नेटवर्क है यही है सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले। इसके अलावा तो शायद कोई इतना स्पोर्ट्स है भी नहीं। हाँ, दूरदर्शन का DD स्पोर्ट्स है, वो भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है, उसकी तो बात ही अलग है। वो तो आपका फ्री टू एयर है और लगभग सभी मैचेस वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वो तो मतलब एक मिक्स स्पोर्ट्स चैनल है, चाहे कोई स्टार नेटवर्क ने किसी के राइट्स ले रखे हों, चाहे सोनी नेटवर्क ने रखे हों, चाहे स्पोर्ट्स 18 ने, DD स्पोर्ट्स को तो दिखाना ही दिखाना होता है भाई। ठीक है, तो मतलब कुछ इस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि DD स्पोर्ट को तो छोड़ ही दीजिए। चलिए जो प्राइवेट स्पोर्ट्स चैनल हैं इनके बारे में आज बात करेंगे। देखिए सबसे पहले नंबर वन जो स्पोर्ट्स नेटवर्क में हुआ करता था वो हुआ करता था स्टार नेटवर्क, स्टार स्पोर्ट्स। स्टार स्पोर्ट्स के पास जो इंडिया टीम के जितनी भी मान लीजिए सीरीज़ हुआ करती थी उन सभी के राइट्स स्टार नेटवर्क के पास हुआ करते थे। IPL के राइट्स स्टार नेटवर्क के पास हुआ करते थे, अभी भी हैं भाई स्टार नेटवर्क के पास, लेकिन वो अलग अलग हैं। डिजिटली राइट्स स्पोर्ट्स 18 के पास जा चुके हैं, और जबकि जो TV सेटेलाइट्स राइट्स हैं वो स्टार नेटवर्क के पास ही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नंबर एक पर मैं आज कहना चाहूँगा कि कौन सा स्पोर्ट्स नेटवर्क है। तीन स्पोर्ट्स कैटेगरी, तीन स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर यहाँ पर इंडिया के अंदर देखे जा रहे हैं। स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क है जो अभी कुछ मंथ्स पहले ही लॉन्च हुआ है, और लॉन्च होते ही भाई इसने जो ये पहले जो इतने बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर थे स्टार नेटवर्क या सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, मतलब उनकी बैंड बजा कर रख दिया इस स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क ने। सिर्फ एक ही चैनल अभी तक लॉन्च हुआ है स्पोर्ट्स 18 1, और इसके साथ साथ एक फ्री टू एयर है स्पोर्ट्स 18 खेल। तो उसी अकेले चैनल ने कह सकता हूँ कि मैं इस स्टार नेटवर्क की भी और इस सोनी स्पोर्ट्स को भी धोकर रख दिया है, मैं एक तरह से कहना चाहूँगा। क्योंकि जितने भी जो भी स्पोर्ट्स इवेंट होते थे उनके राइट्स हमेशा से जो बाय करता था वो खरीदता था खरीदा करता था वो स्टार नेटवर्क ही होता था मेनली ज़्यादातर, लेकिन अब स्टार नेटवर्क को धोकर रख दिया है। सबसे अगर नंबर वन मैं कहना चाहूँगा इस टाइम अभी जो चला हुआ है वो है स्पोर्ट्स 18, क्योंकि उसने अगले 5 साल तक के लिए जो आपके घरेलू मैचेस होने हैं, मैचेस ODI मैचेस होने हैं, वो सभी के सभी राइट्स जो हैं स्पोर्ट्स 18 के पास है। इंडिया के अब जितने भी मैच होंगे वो स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क के पास ही हैं। इससे जो है फ़ायदा क्या हुआ है DD फ्री यूजर्स को भी हुआ है, DD फ्री यूजर्स के साथ साथ जो पेड DTH यूजर हैं उनको भी हुआ है। क्योंकि अगर मान लीजिए वो राइट्स स्टार नेटवर्क के पास होते या सोनी नेटवर्क के पास होते तो इंडिया के मैचेस के लिए DD स्पोर्ट्स पर आप लोगों को जाना पड़ता, और DD स्पोर्ट्स पर वो इंडिया के मैच सिर्फ DD फ्री डिश व्यूवर्स के लिए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क ने उसके राइट्स ले लिए हैं, तो जिस भी DTH प्लेटफॉर्म पर स्पोर्ट्स 18 खेल इनका फ्री टू एयर चैनल देखा जा रहा है, या कलर सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स पर भी ये सीरीज दिखा रहे हैं जैसे कि इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया चली हुई है, तो इन चैनल्स के जरिए आप लोगों को बिल्कुल फ्री में देखने को मिल रही है। मैं जैसे कि बात कर रहा हूँ जिंग सुपर बॉक्स की, क्योंकि जिंग सुपर बॉक्स यूजर्स को वंचित रहना पड़ता था कहीं ना कहीं DD स्पोर्ट्स के मामले से। DD स्पोर्ट्स जो है उनको नहीं दिखा पाता था, लेकिन अब जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चली हुई है वह कलर सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स पर देखे जा रही है। इसके साथ साथ ISL लीग चली हुई है, फुटबॉल लीग चली हुई है, वो भी स्पोर्ट्स 18 खेल के जरिए जो है आप लोगों को जिंग बॉक्स पर भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट मिला है, तो इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क है। बाकी एक IPL का फंडा है, IPL जो है TV राइट्स स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क के पास है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि चलिए स्पोर्ट्स 18 स्टार नेटवर्क को हम सेकंड नंबर दे देते हैं। जी हाँ, IPL के जो TV सेटेलाइट राइट्स हैं वो स्टार स्पोर्ट्स के पास हैं, इसमें हम सेकेंड पोजिशन देंगे स्टार नेटवर्क को। लेकिन फिर भी इसका भी कोई इतना बेनिफिट नहीं है कि चलिए स्टार नेटवर्क के पास है, जबकि इसके डिजिटली राइट्स जियो नेटवर्क के पास है, जियो सिनेमा के पास हैं। ज़्यादातर यूजर जो है अपना स्मार्टफोन ही यूज़ करते हैं, और स्मार्टफोन पर जियो सिनेमा पर IPL बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट जरूर मिला है। लेकिन जो सोनी स्पोर्ट्स है, सोनी स्पोर्ट्स के पास कुछ भी जो है क्रिकेट इवेंट से रिलेटेड तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी राइट्स नहीं है। इसके अलावा कुछ अदर स्पोर्ट्स इवेंट होते होंगे उनके कुछ एक राइट्स ले लेता होगा, जैसे कि अभी एशियन गेम चले हुए हैं उसके राइट्स जो हैं सोनी स्पोर्ट्स के पास हैं, लेकिन वो भी हम DD स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। ठीक है,
और जो ज़्यादातर राइड्स जो आजकल स्पोर्ट्स इवेंट के ले रहा है वो स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क के ले रहा है, चाहे मोटो जीपी हो, चाहे ISL लीग हो, चाहे इंडिया के जितने भी मैचेज हो, वो क्रिकेट इवेंट्स हो, वो सभी के सभी जो है स्पोर्ट्स 18 पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों का पसंदीदा स्पोर्ट्स चैनल कौन सा है, किसको आप नंबर वन, किसको आप नंबर दो या किसको आप नंबर तीन कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद।